वैसे शेयर बाजार में आई गिरावट का एलटीसीजी से कोई लेना देना नहीं है, ये दावा मोदी सरकार के एक और दिग्गज मंत्री सुरेश प्रभु ने किया है। सुरेश प्रभु का कहना है कि दुनिया भर के बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भारतीय बाजार जल्द बाउंस बैक करेगा। और सुरेश प्रभु से इसी बारे में खास बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। मेल्टडाउन जो हो रहा है ग्लोबल मार्केट का जो असर है ये हमारे स्टॉक मार्केट पे हो रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था से कोई ये नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। हमारी जो स्थिति है पूरे विश्व में वो मैं मानता हूँ बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था से भी हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत है। ये ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं, यहाँ से फंड कोई विड्रॉ करता है उसका, लेकिन ये इसका कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था से मिलना, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, आने वाले दिनों में वापस आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी ठीक से चलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट का गिरना हमारी अर्थव्यवस्था से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता। एलटीसीजी की बात की जा रही है, क्या इसका इंपैक्ट देख रहे हैं? हालांकि ये कहा गया है कि एलटीसीजी राइट मूव है लेकिन बैड टाइम पे है, समय सही नहीं था। ये जब वो इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में वित्त मंत्री जी भी आपको उन्होंने अपने अर्थसंकल्पीय भाषण में भी उसके बारे में जिक्र किया था, जब वो उसके बारे में पार्लियामेंट में कहेंगे उसके विस्तार से भी बताएंगे उसकी वजह क्या थी क्यों लाया गया। लेकिन जिस दिन ये बजट में उसके बारे में उद्घोषणा की गई उस दिन तो स्टॉक मार्केट पे रिएक्शन नहीं थी। ये जो आज हो रहा है इसका कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व की जो अलग अलग स्टॉक मार्केट्स है इसमें जिस तरह से अलग तरीके से गिरावट आ रही है उसका एक इफेक्ट हमारे मार्केट पे भी आ रहा है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हमारी सब जगह पे बातचीत चल रही है, ये जल्दी लाई जाएगी, उसके लिए हम पूरी मात्रा में कोशिश करें। हमारे गुवाहाटी में भी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी और जगह पे भी करेंगे। थैंक यू सर।